नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे मॉक्सिकाइंड सीबी ड्राई सिरप के बारे में। बच्चे में ये जो सिरप कौन कौन बीमारी में यूज किया जाता है इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा, इसके साथ इसका डोजेस, यूजेस और साइड इफेक्ट्स की पूरे जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और किसी को लाभ मिल सके। बात करते हैं दोस्तों इसका कंपनी के बारे में। इसको जो प्रोडक्शन करती है मैनकाइंड कंपनी इसको प्रोडक्शन करती है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। अगर कंपोजिशन की बात करें एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लाबोनेट इसमें जो ऐड की गई है, ये जो कंपोजिशन कौन कौन बीमारी में यूज किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों इसका प्राइस की बात करें 56 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर और ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारी में इसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका इस्तेमाल बच्चे में कान की इन्फेक्शन में किया जाता है, बच्चे में जो निमोनिया की समस्या रहती है इस परिस्थिति में किया जाता है, बच्चे में टन्सिल की समस्या है तो इस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल की जाती है, यूरिन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है, ब्रोंकाइटिस, साइनाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन जैसे समस्या में इसका इस्तेमाल की जाती है, या ब्लड इन्फेक्शन में इसको जो यूज किया जाता है। दोस्तों अगर इसका यूजेस की बात करें, जैसे कि 3 साल से ऊपर बच्चे में इसे यूज किया जाता है, इसे यूज करने से पहले अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक सिरप है। मेरी सलाह से अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके ये जो आप सिरप को या सस्पेंशन को अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो लेने से कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स बच्चे में देखने को मिलती है, जैसे कि बच्चे में डायरिया की समस्या पहले तो देखने को मिल सकती है, या बच्चे में उल्टी की समस्या जैसे कि देखने को मिल सकती है, बच्चे में स्किन रैशेस की समस्या देखने को मिलती है, जिमले चलने की समस्या देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों अगर अपने बच्चे को ये जो समस्या किसी भी तरह देखने को मिलती है तो ये जो मेडिसिन को बंद करके अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप ये जो मेडिसिन दे सकते हैं या डॉक्टर की अनुसार अलग मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों मेरी सलाह से अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बच्चे को ये जो सिरप आप दे सकते हैं। दोस्तों ये थी मॉक्सिकाइंड सीबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और किसी को लाभ मिल सके। दोस्तों मेरे वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं, मेरे चैनल के वीडियो में बहुत सारी जो मेडिसिन रिव्यू पड़ा है आप जो वॉच कर सकते हैं और नॉलेज भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।